धर्मशाला पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जिला कांगड़ा में कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला में बेड व्यवस्था बढ़ाने की बात की गई, तो साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जिला में वैक्सीनेशन व दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा जाए और इसमें लोगों का पूर्ण सहयोग सरकार को मिल रहा है। मंत्री ने बैठक के बाद अपने घरों में आइसोलेट हुए लोगों के साथ भी मुलाकात की और जिला में अलग अलग स्थानों पर जाकर कोरोना व्यवस्थाओं को जांचा। मंत्री ने कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटी को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और जो रिपोर्ट लेट आ रही है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने की। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई और इस समस्या को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे, क्योंकि आज उनकी मुख्य भूमिका है और आकर हर समय उनके साथ उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। ठीक है आपकी कि उसमें अतिरिक्त बोझ जो है वो सारे सिस्टम पर जो है वो पड़ा है, लेकिन टेस्टिंग की जहाँ तक बात है कि रिपोर्ट जो है पहले या दूसरे दिन आ जाए, इसके लिए हम सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ दिनों में अतिरिक्त जब हमारी टेस्टिंग की फैसिलिटी हम खड़ा कर लेंगे, उसको हम मजबूत कर देंगे, तो ये शिकायतें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें भी अगर कोई आज क्योंकि हमने बैठक भी की इससे पूर्व और इन सब बातों पर जो है वो चर्चा भी है जो बहुत विस्तार से हुई है। डिप्टी कमिश्नर यहाँ थे, बाकी हमारे विभाग से CMO यहाँ थे, मेडिकल कॉलेज टांडा के प्रिंसिपल यहाँ थे, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के MS भी उस बैठक में हमारे साथ यहाँ उपस्थित थे। इन सब बातों को ठीक करने का निर्देश भी मैंने जो है वो प्रशासन को भी दिया है, विभाग को भी। सर आज बैठक में क्या बेड व्यवस्थाएं बढ़ाने की कहीं बातचीत हुई कि जिला में और बेड व्यवस्था जो है? अभी जैसे पपरोला में 50 बेड जो है वो शुरू किए गए हैं, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। आयुष विभाग के लोग भी आए थे, MS हैं जो हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला के, वो भी इस बैठक में हमारे साथ थे। 50 और बेड्स जो है वहाँ पर बढ़ाने का जो है वो प्रयास हम करेंगे। परोर की फैसिलिटी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और इनिशियली जो है उसको कम से शुरू करके फिर उसको हम ज़्यादा करके जो है और 1000 तक जो है वहाँ पर क्षमता है कि वो इतने पेशेंट्स जो है वहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। आपको पता ही है सिटी हॉस्पिटल एक गगल के पास, वो तो हमने लिया ही है और वहाँ पर लोगों को जो है सुविधाएँ जो हैं उसकी मिल रही है। अभी पठानकोट में भी एक अस्पताल जो है विचाराधीन है, आज अगर समय लगा तो उसका निरीक्षण भी मैं करने के लिए वहाँ जाऊँगा, परौर भी जाऊँगा, पपरोला भी जाऊँगा, सारी व्यवस्थाओं को मैं देखूँगा और जहाँ अगर आवश्यकता पड़ेगी बेड्स को बढ़ाने की तो उसके ऊपर हमारे पास क्षमता भी है और कार्य योजना भी है और सरकार का ध्यान बिल्कुल इस तरफ है और इसको निश्चित तौर से बढ़ाया जाएगा अगर इसी प्रकार से केसेस बढ़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो निश्चित तौर से करेंगे, जो भी करनी होगा करेंगे, समय के अनुसार जो जो चुनौतियाँ आती जाएंगी उसका समाधान जो है सरकार करने के लिए जो है बिल्कुल तत्पर है और सजग ना करते हूँ। रोज इंटरेक्शन होता है और हर स्तर पर होता है। बहुत शीघ्र सामान्य मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी जो है वो इंटरेक्शन करने वाले हैं और सरकार जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके ऐसे हमारे सब इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ी है और उनको प्रोत्साहित भी कर रही है, उनका उत्साहवर्धन भी कर रही है और ये उत्साहवर्धन जो है वो जारी रहे। और मैंने जैसे आपके माध्यम से मैंने भी धन्यवाद किया है और मैंने आह्वान भी मैं करना चाहता हूँ कि इसी सेवा भावना के साथ जो है, क्योंकि व्यक्ति का जो दायित्व है उसका फर्ज क्या है समाज के प्रति, उसकी परीक्षा जो है वो आपदा की घड़ी में होती है और मुझे लगता है कि सब अपने इस धर्म का निर्वहन जो है वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं और भविष्य में जब भी इनके सेवाओं को सम्मानित करने की जब बात आएगी, प्रशस्ति करने की जब बात आएगी और इनकी सेवाओं के प्रति सरकार को जो उनको अधिकृत रूप से जब सम्मानित करने की बात आएगी तो उसकी भी योजना हम बनाएंगे, ऐसा मैं बोलना। देखिए वैक्सीनेशन ये एक सेट प्रोटोकॉल के तहत जो है वो हो रहा है, जो दिशा निर्देश जो हैं केंद्र से हमको प्राप्त हुए हैं और हमने जो इसकी गाइडलाइन जो है प्रदेश स्तर पर बनाई है उसके तहत वैक्सीनेशन जो है वो निर्बाध रूप से हमारे प्रदेश के अंदर चला हुआ है।
कहीं कोरोना संक्रमित आ जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन हम बनाते हैं, ये भी एक सेट पैरामीटर है, एक सेट प्रोटोकॉल है। और वर्तमान समय में मैं ये समझता हूँ कि इसकी और भी ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, जैसे अभी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो चली हुई हैं, तो ये अच्छा ही होगा कि हमारा संपर्क जो है एक दूसरे से जो है वो बहुत कम हो, लेकिन वैक्सीनेशन जो है ऐसे लोगों की हो इसको सुनिश्चित करने का हम प्रयास करेंगे। तो फिर ये हम स्मरण करने का काम करेंगे कि आज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका मैं पूरा दिन में ध्यान रखूंगा। तो ये जब भावना पूरे समाज में आएगी तो मैं समझता हूँ फिर स्थितियाँ जो हैं वो अच्छी होंगी। जहाँ तक बेड्स का प्रश्न है, जहाँ तक ऑक्सीजन का प्रश्न है, जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, सब कुछ ठीक है और सरकार और विभाग सक्षम है, और भविष्य में इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी कुछ सरकार को करना होगा उसको करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और आपको भी जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उस नाते जो है मान्यता मिली है, आपके माध्यम से भी जागरूकता और IEC जो है ये कैंपेन जो है आपके माध्यम से भी हुआ है, जागरूक करने का प्रयास जो है आपके माध्यम से भी जो है वो लोगों को किया गया है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं जो सामान्यतः कई बार ध्यान में नहीं होती आपके माध्यम से विभाग के और सरकार के ध्यान में भी जो हैं वो बातें आई हैं। विदेश से मदद आ रही है और काफ़ी हमें जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और फेस मास्क, PPE किट्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ये हमको प्राप्त हो रहे हैं, और जब प्राप्त हो रहे हैं तो देश के अलग अलग हिस्से में जो है वो जा रहे हैं। आज दरअसल ये वैश्विक महामारी है, ये किसी एक देश की सीमाओं तक जो है वो कन्फाइंड नहीं है। जब वैक्सीन उत्पादन भारत ने किया तो वैक्सीन की जो है वो डोजेज अन्य देशों को भी दी गई, तो मुझे लगता है कि आज विश्व के कई देश जो हैं वो भारत की मदद करने के लिए भी जो है वो खड़े हुए हैं, और इसका हम स्वागत भी करते हैं, और ये एक बहुत अच्छी पहल भी है। भारत भी जब जब किसी विश्व के किसी देश के ऊपर कोई आपदा आई है, कोई मुसीबत आई है, तो भारतवर्ष जो है ऐसे देशों के साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसी मदद अपेक्षित भी है और स्वागत योग्य भी है। देखिए इसमें जो सामान्य मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है आज इस संकट की घड़ी में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन सामान्य मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सब लोग जो इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करते हों। रोज़ इंटरेक्शन होता